हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नमकीन सेवइयां। जी हाँ, आपने मीठी सेवइयां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है नमकीन सेवइयां। ये बहुत हेल्दी डिश है, बहुत जल्दी बन जाती है, ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसे अपने लंच बॉक्स में भी रख के ले जा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। बच्चों के टिफिन में भी इसको पैक करके दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें। प्लीज लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपनी नमकीन सेवइयां बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सेवइयों को उबालने के लिए हमने लिया है एक पैन। अब इस पैन में हम डालते हैं 1 लीटर पानी। इस पानी में हमने सेवइयों को उबालना है। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपनी सेवइयां ऐड करते हैं। मैंने आधी कटोरी सेवइयां ली हैं। जो सेवइयां होती हैं ये जब पानी में बॉईल की जाती हैं तो ये ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल। इससे क्या होगा कि ये चिपकेंगी नहीं, खुली खुली बनेंगी। अब इसको एक बार हम चला देते हैं जिससे ये नमक और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसे ढक देते हैं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देते हैं। हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल के देखते हैं। देखिए, जो हमारी ये सेवइयां हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। इसे थोड़ा हाथ से कट करके देखती हूँ, अच्छी तरह से ये कट हो रही हैं। इसका मतलब है हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देते हैं। इसका पानी निकालने के बाद हमने इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालना है। क्या होता है कि जब ये उबली हुई होती हैं तो आपस में चिपकती हैं, ठंडे पानी से वो चिपकेंगी नहीं। देखिए, हमारी सेवइयाँ एकदम अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं, अच्छी तरह से ये उबल चुकी हैं और ठंडे पानी से हमने इनको धो ही लिया है। तो सबसे पहले हम अपना फ्राई पैन लेते हैं इसके तड़के के लिए। इसमें थोड़ा सा डालते हैं हम ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब ऐड करते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा छटक गया है, अब हम इसमें ऐड करते हैं गार्लिक और इसे एक बार चला देते हैं। अब हम इसमें अपनी प्याज भी ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने एकदम बारीक चॉप किया हुआ है और इसे अच्छी तरह से हम चला देते हैं। प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है, पिंक पिंक हो जाती है ना, उस ढंग से इनको पकाना है। देखिए, हमारी जो प्याज है वो हो चुकी है। अब इसमें ऐड करते हैं हम टमाटर, आधी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी मिर्च। थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेते हैं हम हरी मिर्च। आप याद रखिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च हमने दोनों डाली हैं तो आप ध्यान से डालिए। नमक भी हमने जब अपनी सेवियों को उबाला था तब भी डाला था, अब भी ऐड किया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ जिससे ये हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। इसे खोल के देखते हैं। देखिए, हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम मटर। मटर मैंने फ्रीज ली है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अब हम इसको फिर से ढक के 1 मिनट के लिए पकने देते हैं जिससे ये हमारी मटर अच्छी तरह से पक जाए। 1 मिनट हमारा हो चुका है, इसे खोल के देखते हैं।
देखिए हमारी एकदम मटर अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें ऐड करते हैं हम अपनी सेवइयां जिनको हमने बॉईल किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारी सेवइयों पे अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। गैस को हमने मीडियम रखा हुआ है। देखिए ये मिक्स हो गई हैं, गैस हमने अपनी बंद कर दी है। तो देखिए हमारी सेवइयां बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत टेस्टी सेवइयां बनी हैं। तो आप भी इन्हें अपने घर पर बनाइए, एंजॉय कीजिए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।